हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर वन मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। इस क्रैश कोर्स में अभी तक हम लोग परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक काफ़ी ड्रेडेड माना जाता है एस्पिरेंट्स के बीच में, और इसका कारण है तरह तरह के इनोवेटिव फॉर्मूले, भयानक दिखने वाले फॉर्मूले। उन फार्मूलों को पढ़ते ही दिल दहल जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक खतरनाक लगता है। पर अगर इस टॉपिक को हम उस डर के भाव से ना देखें, पर इसका मूल देखने की कोशिश करें कि आखिर इस टॉपिक में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से नए बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। तो आज के इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है। एग्जाम में देखिए क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर परसेंटेज के स्ट्रक्चर को टेस्ट करना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू टेस्ट कर सकता है। डायरेक्टली परसेंटेज के सवाल आ सकते हैं बिना किसी और टॉपिक से रिलेट किए हुए। SICI एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो आपसे सब कुछ टेस्ट कर सकता है। बेस चेंज टेस्ट कर सकता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज टेस्ट कर सकता है, आपकी परसेंटेज की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए SICI टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में जहाँ भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जिसमें परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट किए जाते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको बता दूँ कि थोड़ा बेसिक जानकारी आप मेरे बारे में यहाँ लिख सकते हैं। एप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, इस कोर्स के बारे में आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। t.me/aptrix e-classes टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एप्ट्रिक्स ई क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में देखिए सारी यूजफुल लिंक दी हुई है। ये क्रैश कोर्स हमारा एप्ट्रिक्स और यूट्यूब एप्ट्रिक्स और क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल्स पे चल रहा है। टॉपिक्स अल्टरनेट आ रहे हैं, एक टॉपिक आपका क्यूमैथ्स के चैनल पे होता है, फिर अगला टॉपिक एप्ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे होता है। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना जरूरी है। पहले जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, उनको भी ज़रूर फॉलो करें। और आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को करने के बाद आपका डर SICI के बारे में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, इस पहले क्लास की शुरुआत हम करेंगे। इस साल जो CGL 17 मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनके थ्रू हम शुरुआत करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको बस थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा कि SICI में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर कुछ इस साल के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, इसमें बेसिक डिफरेंस जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में है वो ये है, जैसे नाम ही बता रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है आई एम सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं कि देखिए कंपैरिजन के थ्रू लर्न करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है ना। तो देखिए, इसमें अगर हम बेसिक फंडामेंटल फ़र्क निकालना चाहते हैं तो बस सिर्फ इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साइकिल में इंटरेस्ट बराबर होता है। मैं साइकिल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ईयर जो वर्ड होता है, ईयर है ना, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सही वर्ड है साइकिल। अब वो एक साइकिल आपका एक साल का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, और 3 महीने का भी हो सकता है। तो मैं ज़रा बात करता हूँ दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसी के फॉर्म में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा सा बेहतर बने। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ SI का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, यहाँ मैं CI का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि एक साइकिल की बात हो रही है और हर एक साइकिल का जो इंटरेस्ट रेट है आपको दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। साइकिल कितने की भी हो सकती है सर, एक साल की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। यहाँ भी मैंने बोला कि आपका 10% ही इंटरेस्ट है, और जो इनिशियल आपका प्रिंसिपल है वो हमने दे दिया आपको 100 और 100। ठीक है, क्विकली बहुत जल्दी करेंगे इसको ताकि आपको आसानी से समझ में आए, बहुत ज़्यादा समय भी इसमें ना जाए। अब देखिए, अगर मैं कहूँगा कि साइकिल वन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो साइकिल वन के कंप्लीट होने के बाद मैं ज़रा अमाउंट लिखना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर ए मतलब अमाउंट लिख रहा हूँ। तो देखिए, साइकिल वन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में भी 10 जुड़ेगा, ये वैल्यू 110 हो जाएगी, क्योंकि साइकिल वन बात कर रहा है और एक साइकिल का, वन साइकिल का जो इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है कितना, 10% का दिया हुआ है। यहाँ भी ये वैल्यू 110 हो जाएगी, क्योंकि 10% ऑफ 100 देगा। यहाँ से देखिए, पहली चीज़ जो आपको निकल के आई कि फर्स्ट साइकिल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट साइकिल।
पहले साइकिल में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल एक समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है जिस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो दोनों के लिए वो सेम होता है। लेकिन ये अंतर दिखना शुरू हो जाएगा जब हम बात करेंगे साइकिल टू की। साइकिल टू में देखिए जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो फ़र्क कहाँ आएगा, यही देखना है। सिंपल इंटरेस्ट की एक बहुत ही आसान कहानी है जो कि कहता है कि आई एम वेरी सिंपल। इसमें हमेशा जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वो प्रिंसिपल पे करते हो। तो पहले साल का अगर इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 10 रुपीज़ आया, तो अगले साल का भी इंटरेस्ट 10 रुपीज़ ही होगा। वो कैलकुलेट किस पे होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, 100 रुपीज़ पे, तो 10 ही ऐड होगा इसमें, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 120। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में केस में क्या होता है, ये आपको ध्यान से देखना है कि ये जो साइकिल वन जब कंप्लीट हुई, तो साइकिल वन कंप्लीट होने के बाद जो ये 110 रुपीज़ निकल के आया, अब इस नए प्रिंसिपल पे आपकी कैलकुलेशन होने वाली है अगले इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर देखोगे आप 10% ऑफ 110 आपका कितना होगा, 11 होगा। ये वैल्यू आपकी जुड़ के कितनी हो जाएगी, 121। तो आप ध्यान से देखो कि सेकेंड साइकिल में फ़र्क आया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में। पहले साइकिल तक तो दोनों बराबर थे, लेकिन फ़र्क कहाँ आया, जब इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया गया और उस पर हमने नया इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो वहाँ से डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो आप जरा इसको जरा ध्यान से समझते हैं इस फंडा को, और आगे आप बढ़ोगे आपको पता है अब अगला इंटरेस्ट आपका इस पर कैलकुलेट होगा 121 पे। तो मैं जानता हूँ कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 100 110 हुआ, 110 आपका 121 हुआ। आप देखो यहाँ भी 1.1 टाइम्स, यहाँ भी 1.1 टाइम्स। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 क्यों है, क्योंकि परसेंटेज 10% है, यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ की बात करें, इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज़ होता है। तो एक चीज़ समझ में आई कि भाई CI का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है कि जो भी इंक्रीज़ होता है वो जुड़ जाता है, और वो जुड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, उस पर नया इंक्रीज़ काउंट करते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है आपका CI। आपको यही अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि CI आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ कि उससे थोड़ा सा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी CI की। एक मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पर कि पहली साइकिल में CI और SI में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और दूसरी साइकिल से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर फंडा हम लर्न कर रहे हैं साइकिल के फॉर्म में, देखिए इसको यूजुअली आप अंडरस्टैंड करिए, एक टर्म यूज़ किया जाता है कंपाउंडिंग। अब जरा ध्यान से मैं आपको कंपाउंडिंग को भी ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग का जो ब्रीफ मैं देने जा रहा हूँ वो समझ गए तो आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत होगी नहीं। जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना कुछ कि 1+R/100 to the power आई डोंट नो क्या करते हो आप ऊपर जाके, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कुछ आता है ना शायद R/2 to the power 2n, मुझे भी नहीं याद है, आप भी भूल जाइए, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए साइकिल का मतलब क्या हो रहा है कि मैं अब जरा इस CI को अपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म, जैसे मैं बात करूं कि भाई मेरे को हाफ ईयरली कंपाउंडिंग चाहिए। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है सर, हिंदी में कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो वो चक्र होता है कि कितने टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होके एक नया अमाउंट देगा जिस पे अब अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसी समस्या ही नहीं है, उसमें तो जो भी इनिशियल प्रिंसिपल है उसी पे बार बार कैलकुलेशन होती रहेगी। तो देखिए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें मतलब क्या होता है कि भाई एक साल का जो पीरियड होता है, अगर हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ लिया और 100 रुपीज़ पे 10% के हिसाब से मुझे 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, तो ये वैल्यू हो गई 110। अब ये जो 110 वैल्यू हो गई यहाँ पर, अब अगर ये कंपाउंडिंग ईयरली होती, मैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ वो ईयरली कंपाउंडिंग का दिखा रहा हूँ, अगर ये कंपाउंडिंग ईयरली होगी तो 10% पर एनम का अगर आपको इंटरेस्ट मिला, तो आप क्या करोगे कि ये 10 रुपीज़ जो है ना एक साल का इंटरेस्ट निकाल के इसमें ऐड करोगे एक साल के बाद, क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, तो एक साल के बाद आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा और उस पर नया इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी कंपाउंडिंग की, भाई ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में आप क्या करोगे, पहले कहोगे कि भाई एक साल का पीरियड मेरा दो साइकिल्स में ब्रेक हो गया, 1 और 2, क्योंकि कंपाउंडिंग तो अब हाफ ईयरली हो रही है, तो पूरे एक साल का पीरियड मेरा दो साइकिल्स में ब्रेक हो गया। अब मैं पहले देखूंगा कि भाई यहाँ का इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है। तो जो भी एनुअल इंटरेस्ट आपको दिया होगा वो एक साल का दिया होगा। अगर क्वेश्चन में बात कर रहा है कि लेट्स से कि एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, कि एनुअल इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, तो अगर एनुअल इंटरेस्ट 10% पर एनम होगा तो इस 6 महीने का
छः महीने के पीरियड का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5%। तो आपको क्या करना है, 5% सक्सेसिवली रखना है, यानी यहीं पर आपका अमाउंट चेंज करना है आपको 6 महीने के बाद। तो जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो हर 6 महीने के बाद वो अमाउंट ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट वाला, और प्रिंसिपल की नई वैल्यू आएगी जिसको आप अमाउंट ही बोलते हो, और वहाँ से आगे बढ़ के आप अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी। अब देखिए, अगर आपसे मैं बोलता भाई क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या होगी, डरना नहीं है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर, एक साल का एक क्वार्टर मतलब 1/4 है ना, आप सब लोग क्वार्टर जरूर जानते होंगे, मुझे पता है, खंभा क्वार्टर, एनीवेज जैसे भी समझना है समझ लो, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 1/4। तो जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, तो एक साल के पीरियड को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो सर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो जब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो आपको पहले तो ये समझना है कि पहले तो आप यहाँ इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालो। इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या होगा, अगर एनुअल इंटरेस्ट 10% है तो ये इंटरेस्ट हो गया 2.5%। अब 2.5% सक्सेसिवली कितनी बार, 4 बार हो गया। तो ये एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया परसेंटेज के स्ट्रक्चर में, सॉल्व कर लो। तो देखिए, जो भी थोड़ा सा चेंज है वो यही है कि इसमें स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ते हैं, कि जैसे एनुअल कंपाउंडिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, कि मुझे एनुअल इंटरेस्ट जोड़ के सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बनाना है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में 6 महीने में जोड़ना है तो मुझे 6 मंथ्स वाला इंटरेस्ट चाहिए, फिर सक्सेसिव हो गया। क्वार्टरली कंपाउंडिंग की बात करेगा तो भैया क्या हुआ कि आपको 3 मंथ्स का वो इंटरेस्ट निकाल लो 4 से डिवाइड करके, और फिर आप आगे बढ़ जाओ। अब अगर मंथली कंपाउंडिंग होगी तो क्या ही दिक्कत है भाई, 12 पीरियड बन जाएंगे, इंटरेस्ट को डिवाइड करके मैं हर साल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा दूंगा। तो जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो वो जो फार्मूला नहीं होता है, वो कुछ R/2 और 2N होता है, R/4 = 4N होता है, वो सब भूल जाइए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपल सा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत है, वो मैं आपको समझाता हूँ। कि पहली बात तो कई बार CI और SI के डिफरेंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो CI और SI डिफरेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आपको। मैं आपको भी कई सारे क्वेश्चन आगे SSC में एग्जाम में जो इस साल आए हैं वो भी मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो CI SI डिफरेंस को ज़रा समझते हैं। देखिए, पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं आया, दूसरे साल में ही डिफरेंस आया, फिर दूसरे साल के बाद आगे भी डिफरेंस आता रहेगा। तो फर्स्ट साइकिल में CI SI में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेकेंड ईयर से डिफरेंस आना शुरू होगा। अगर ये कंपाउंडिंग हाफ एनुअली है तो आप कहोगे पहले 6 महीने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, नेक्स्ट 6 मंथ सेकेंड साइकिल में डिफरेंस आएगा। इसलिए मैं साइकिल का वर्ड यूज़ करके बात कर रहा हूँ आपसे। अब जरा ये 10% वाला जो गेम है, इसको समझते हैं कि CI SI का डिफरेंस कैसे लिखेंगे। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई SI की बात कर रहे हैं, SI की बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर कंपाउंडिंग का जो केस है थोड़ा एनुअल लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है भाई, 10% का इंटरेस्ट है। तो आपको जरा मैं बताता हूँ कि देखिए इंटरेस्ट कैसे कैसे होंगे। आपका SI सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना होगा, 10%, और आपका CI भी कितना होगा, 10% ही होगा। लेकिन अगर मैं 2 साल की बात करूँ, यहाँ मैं सेकेंड ईयर मेंशन कर रहा हूँ, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% ऑफ प्रिंसिपल पहले साल था, तो 10% ऑफ प्रिंसिपल दूसरे साल भी रहेगा। जब बेसिस सेम होते हैं परसेंटेज के, तो उनको नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हो आप। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 20% 2 साल का। यहाँ देखना, 10% और 10% को सक्सेसिवली रखा जाएगा। परसेंटेज का वीडियो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, नीचे देखो जाके, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। तो 10% को सक्सेसिवली 2 बार अगर आप लिखते हो तो वो 21% होता है। 3 बार लिखोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 30%, सिंपल इंटरेस्ट सीधा 3 गुना हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 33.1% होती है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को यूज़ करके। 4 टाइम्स लिखोगे ये 40% हो जाएगा, और इसको 4 टाइम्स करोगे तो ये 46.41% हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि SSC को अगाढ़ प्रेम है इस परसेंटेज से, ठीक है। CI के केसेस में इसको वो इतना इस्तेमाल करते हैं, अगाढ़ प्रेम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नंबर मैंने 4 यहाँ पर लिखे हैं ना, ये दिमाग में फीड कर लो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ CI की, पहले साल 10%, दूसरे साल 21%, तीसरे साल 33.1%, चौथे साल 46.41%। ये ऐसे भी आप सोच सकते थे कि 100 से स्टार्ट किया, 10% बढ़ाया तो आपको 110 मिला, फिर आपने 10% बढ़ाया तो आपको 121 मिला, फिर आपने 10% बढ़ाया तो आपको 133.1 मिला, फिर आप 10% बढ़ा दो, 13.31 ऐड हो जाएगा, तो 146.41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है 10% का, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि इस 10% के स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या मालूम चल चुका है। देखिए, इसी को आपको समझना है अच्छे से ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो। पहले साल कितना डिफरेंस, 0।
दूसरे साल कितना डिफरेंस 1%, तीसरे साल कितना डिफरेंस 3.1%, सही साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, 30% SI है आपका, 33.1% आपका CI है, यहाँ पर जरा देखना कितना आ रहा है 6.41%, ठीक है। ये मैंने आपको डिफरेंसेस लिखा के दिखाए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और जब मैं तीसरा साल बोल रहा हूँ तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर का डिफरेंस है, ये टोटल टू ईयर्स का डिफरेंस है, क्योंकि ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ये इंटरेस्ट है दो साल का। तो टू ईयर्स का SICI का डिफरेंस कितना है 1%, थ्री ईयर्स का कितना डिफरेंस है आपको देखो जरा ध्यान से, टोटल थ्री ईयर्स का कितना डिफरेंस है वो आपका है 3.1%, टोटल फोर ईयर्स का कितना डिफरेंस आपका आ रहा है वो आ रहा है 6.41%, ठीक है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आप समझ लो। अब देखिए सर, यही आप 20% के लिए निकाल सकते हो, यही आप 30% के लिए निकाल सकते हो, यही आप 15% के लिए निकाल सकते हो, तो वहाँ पर कहीं चैलेंजेस आपके सामने आने नहीं चाहिए। तो मैं आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट CISI के डिफरेंसेस बता देता हूँ, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको आसानी होगी डिफरेंसेस लिखने में, आपको कोई तकलीफ कभी आएगी नहीं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं जरा डील करता हूँ कि SICI का जो डिफरेंस है टू ईयर्स का, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है, ठीक है। तो टू ईयर्स का जब डिफरेंस आपको SICI का लिखना होता है, तो मैं आपको जरा बेसिक दिखा देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर 10 लिया था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लिया था, तो आपने देखा था कि SICI का जो टू ईयर्स का डिफरेंस आपके सामने आया था वो 1% आया था, ठीक है। आप जरा 20% लेके सोचो, 20% अगर आप लेके चलोगे तो आपका हो गया 20 का होता है 1.2 × 1.2 1.44 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 44% आपका क्या हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट 44% हो गया। SI कितना होगा 40%, ये वैल्यू कितनी हो गई 4%। आप 30% लेके देखना, 30% लोगे तो 1.69 आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कि करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी 69%। देखिए सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ। 30% इंक्रीज़ अगर आप दो बार करते हो, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है और मैं दो साल के CI निकालना चाहता हूँ, तो ये 1.3 times आपका हो जाता है 1.69 times, जिसको आप बोलते हो 69% इंक्रीज। परसेंटेज में प्रॉपरली मैं इसको बता चुका हूँ। तो ये 69% क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट है और क्या है, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर 69% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 30% के हिसाब से दो साल का 60%, माइनस क्या 9% आ गया। अब देखिए एक पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखिए 10 है तो यहाँ 1 आ रहा है, 20 है तो यहाँ 4 आ रहा है, 30 है यहाँ तो 9 आ रहा है। अब जरा इस पैटर्न को मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। देखो अगर यहाँ 10% है तो आप क्या करो, 0 हटा दो यानी 10 से डिवाइड करके स्क्वायर कर लो, वो आपका SI और CI का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कितने पीरियड का, दो साइकिल्स का, टू साइकिल्स, ये कुछ भी हो सकता है, दो साल हो सकता है अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो ये एक साल में दो साइकिल पूरी हो जाएंगी, एक साल का डिफरेंस हो जाएगा। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो ये चीज़ 6 महीने की है, फिर 3 महीने 3 महीने। 20% है तो देखिए इसको भी 10 से डिवाइड करो, 2 आ गया, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 30 है 10 से डिवाइड किया 3 आया, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो ये आपका CI और SI का डिफरेंस आ रहा है। अब कोई जनरल परसेंटेज भी है तो टेंशन मत लेना, जैसे मैंने कहा कि 12% है, तो 12% में आपको CI और SI का डिफरेंस निकालना है दो साल का, तो आप इसको 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर कर लो, 1.44% आ गया। यहाँ थोड़ा आपका रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि आपको परसेंटेज दिया जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि भाई 10% पर एनम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कंपाउंडिंग भी एनुअली की जा रही है, और मैं आपको ये बोलूँ कि भाई दो साल में जो CI और SI का डिफरेंस है वो 10 रुपये आ रहा है, तो बता दो प्रिंसिपल कितना है। अब दो साल की बात कर रहे हो आप, तो मुझे पता है कि यहाँ पर 1% आने वाला है डिफरेंस, 1% ऑफ प्रिंसिपल, और वो अगर आप 10 रुपीज़ के बराबर बोल रहे हो तो इसका जो 100% होगा प्रिंसिपल का वो कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़, ये आंसर हो गया प्रिंसिपल का। कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे उन्होंने क्या बोला आपसे ध्यान से समझना, वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है ना वो 200 रुपये है, प्रिंसिपल अगर 200 रुपये है तो बोल देंगे कि SI और CI का डिफरेंस दो साल में जब कंपाउंडिंग एनुअली की जा रही है तो बोल देंगे कि भाई वो SI और CI का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.88 रुपीज़ आ रहा है। तो बता दो कि जो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ से आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने लेट से इस क्वेश्चन में नहीं दिया, उन्होंने आपको प्रिंसिपल दे दिया, उन्होंने आपको उठा के CI और SI का डिफरेंस दे दिया और पूछ रहे हैं कि बताओ कि क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इसको देखना CI और SI का डिफरेंस, और इसको इसके बेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि कितना परसेंट दिया हुआ है मुझे। तो आप कहोगे ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1.44% है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि इसका जो 1% होगा वो 2 होगा,
और ये 2.88 है, ये 1.44% दिया हुआ है। अब जब ये वैल्यू मुझे मालूम चल गई कि 1.44% ऑफ प्रिंसिपल, तो जो प्रोसेस मैं फॉरवर्ड में लगा रहा था, अब वो प्रोसेस मैं रिवर्स में लगाऊंगा। मैं यही सोचूंगा कि भाई 1.44% डिफरेंस कब आता है। आप कहोगे 12% पे आता है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि ये नंबर लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 1.2 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका इंटरेस्ट मिल गया। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर अगर आपको ये अंडरलाइंग आइडिया है SICI के डिफरेंस के 2 साल का, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे, आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो 3 ईयर्स का SICI का डिफरेंस है, वो उसके लिए भी आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, उसमें भी यही प्रोसेस है। देखिए कि इसको आप कन्वर्ट करोगे 1, 2, 3 बार, 3 बार काउंट करेंगे और देखेंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। सिंपल इंटरेस्ट तो आसानी से निकल आता है। जैसे मैंने आपको 10% वाले केस में अभी दिखाया था कि भाई 30% आपका सिंपल इंटरेस्ट था और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया 33.1%, तो इनका जो डिफरेंस आया 3.1%, ये 10% के लिए कितने कितने का हो गया, 3 साल का हो गया। 20% की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 20% को अगर आप 3 टाइम्स लेके जाओगे सक्सेसिवली, तो वो आपको देता है 72.8%, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और 60% आपका हो जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट 20% के हिसाब से 3 टाइम्स का, 3 बार का डिफरेंस निकालो कितना आ गया, 12.8%। तो ये आपका क्या हो गया, SI-CI फॉर 3 ईयर्स फॉर 20%। अब देखिए, क्वेश्चन आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ में बताता हूँ कि आपको पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो यूजली रिपीट होते हैं। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है भाई, उसमें कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप ध्यान रखते हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर हैं कि 2 साल का तो आप तुरंत लिख दोगे, उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। इस परसेंटेज देखा, हाफ से डिवाइड, सॉरी 10 से डिवाइड किया, स्क्वायर करके लिख दिया। लेकिन जब 3 साल की बात आ रही है तो हमें थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। कैलकुलेट तो आप कोई भी कर सकते हो, ड्यूरिंग एग्जाम वो कोई भी परसेंटेज दे देंगे ना आपको। मैंने प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस पता होने का यही तो फायदा होता है कि आप कभी भी कुछ भी कैलकुलेट कर लोगे। परसेंटेज रखा, 3 बार सक्सेसफुली लगाया, निकाल लिया कि कितना नेट कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट आ गया आंसर। लेकिन मैं आपको CSI 3 ईयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज बता रहा हूँ, बस उन्हीं को ध्यान रखना है। बाकी अगर कुछ आता है एग्जाम में तो बेहतर है, उसको कैलकुलेट ही कर लेंगे हम, तब भी हमें फार्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी लोगों को इतने कठिन कठिन लंबे लंबे फार्मूले चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, जब 3 ईयर्स के CI और SI की बात आती है, CISI फॉर 3 ईयर्स, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख रहा हूँ, जरा ध्यान रखना इनको, ये बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ रेट परसेंटेज लिख रहा हूँ। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने परसेंटेज लिया 5%, तो 5% को अगर 3 बार आप लिखते हो, तो जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आता है ना, वो आता है 15.7625%। 1.05 × 1.05 × 1.05 कर लो, या 100% 5% 5% 3 टाइम्स बढ़ा लो। अब ये जो 3 ईयर्स का डिफरेंस मैं लिखूंगा ना यहाँ पर, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, चीज़ें 15% हो गया, तो ये आपका 0.7625% हो गया फॉर 3 ईयर्स। 10% अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि 3.1% होता है। अब जरा ध्यान देना, अगर आपने 15% लिया तो क्या होगा। देखिए, जब आप 15% लेते हो, 15% ऑल दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 3 साल के लिए, ठीक है। 15% के इंटरेस्ट जब भी आते हैं तो अक्सर 2 साल का क्वेश्चन होता है, बट फिर भी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। देखिए, आप इसमें करोगे क्या कि आप इसमें सिंपली जो नंबर आपको दिया गया है 15% को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसके करस्पॉन्डिंग होगा क्या, वो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। ये आपका होता है 52.0875%, ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने आने वाली है। तो देखिए, ये वैल्यू कितनी होगी, 52.0875%, ये आपका CISI कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 45% होगा, माइनस करो तो ये आपका हो गया 7.0875%, राइट। 15% के लिए होगा, 20% के लिए लिख लो, 30% के लिए लिख लो, 20% के लिए अभी आपको बताया मैंने 12.8% होता है, ठीक है। 30% वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप लिख लेना, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो परसेंटेज मैंने आपको लिखा दिए हैं यहाँ पर, अक्सर जब 3 ईयर्स के कैलकुलेशन की बात आएगी तो इनका बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होता है, ठीक है। यूजली इवन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप, इसको भी आप चाहो तो भूल जाओ, लेकिन मुझे पता है भूल नहीं पाओगे, तो याद रखना, ठीक है। 5%, 10% और 20%, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं CI के केस में, जब भी बात होती है CISI के डिफरेंस की या फिर CI निकालने की। इनका ज्ञान होना 3 साल के लिए बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाला है, इन तीनों को ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी जो भी परसेंटेज होंगे करेंगे, उसको हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इस साल मेंस में आए, और देखते हैं उनको करना कैसे था, फिर हम और भी क्वेश्चन करेंगे,
अगले लेसन में हम और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अभी इसमें हम फोकस करते हैं कि इस साल के क्या क्वेश्चन थे और उनको हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ये जो मैंने पिक किया है, सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक अमाउंट है ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन थ्री ईयर्स ए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज रुपीज 12,000। तो बताना है कि अमाउंट चौथे साल के अंत में क्या होगा। देखो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि भाई किसी भी अमाउंट को तीन साल में जब हमने रखा 12% के इंटरेस्ट पे तो हमें 12,000 रुपये मिले, राइट। ये दिया हुआ है, वो अमाउंट 12,000 हो जाता है। तो बताना है फोर्थ ईयर में क्या होगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। अगर आपको थर्ड ईयर के एंड में मालूम है कि ये 12,000 है तो फोर्थ ईयर के एंड में क्या होगा सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के बढ़ा दो, यही तो होता है। अब इसको आप कौन सा सवाल बोलोगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई कठिन सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा उसमें 12% और लगा देंगे, फोर्थ ईयर के एंड में अमाउंट मिल जाएगा। मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है तो मेरी साइकिल एक एक साल की होगी, तो तीन साल के अंत में अमाउंट मालूम है, चौथे साल के अंत में निकालने के लिए 12% इसका ऐड करना है, मुझे आंसर आ जाएगा। अब इसमें समय का व्यर्थ नहीं करना है, थर्ड ऑप्शन कैसे मार्क करना है भाई, 10% इसका कितना होगा 1200 होगा, 12% क्या होगा आपको पता है कि 1000 से 2000 के बीच में होगा। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो पता भी चल जाएगा कितना है आपका, 1440 है। ठीक है, तो 12,000 में अगर 1440 हम जोड़ रहे हैं तो 13,000 प्लस जाएंगे, 14,000 नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक ही ऑप्शन 13 से 14 के बीच में उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, ये एसएससी का एक्चुअल क्वेश्चन है इस साल का मींस का। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको कैलकुलेट करना था तो आप निकाल लेते कि 1% 120 है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1440 और यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आ गई जो भी आप निकालना चाहते थे। अब देखिए ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये उस फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और भी बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि जैसे आपका प्रिंसिपल हर एक साइकिल के लिए 12% से बढ़ रहा है इस केस में, है ना, इंटरेस्ट भी हर साल 12% से बढ़ेगा इस केस में। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मुझे इस साल का इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि भाई ये 12% ज़्यादा होगा, ऐसे ही सोचना है आपको, इस साल का इंटरेस्ट निकल आएगा। तो हर साल जैसे हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट को इस साल के अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा होता है तो इंटरेस्ट भी वैसे ही रिलेटेड होते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट अगर आपको पता है कि एक साल का इंटरेस्ट मालूम है तो जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो भी आर परसेंट से ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके भी कई सारे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द अमाउंट रिसीव्ड ए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, ये दिया हुआ है, आपसे बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल बता दो। मैंने आपसे बोला था कि एसएससी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है 10% के इंटरेस्ट से, तो इन्होंने 10% दिया एनम पर एनम कंपाउंडिंग यानी एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तीन साल की बात कर रहे हैं। आपको दिमाग भी नहीं लगाना है सर कि जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपको कि जो भी अमाउंट होगा वो पहले से 33.1% ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी अमाउंट दिया हुआ उसमें हम 33.1% ऐड करेंगे तो मुझे नया अमाउंट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का 3 बार में बताया था मैंने, 33.1% होता है, बस लिख दिया। अब जरा देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि इसको मैं इतनी वैल्यू से बढ़ाऊं तो मुझे 119,790 मिल जाए। डिवाइड करना चाहते हो करो, मुझे पसंद नहीं करूंगा। आप कहोगे ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको अगर मैंने 33.1% से बढ़ाया तो मुझे 130,000 से ऊपर की वैल्यू मिलने वाली है, ये नहीं हो सकता। आप कहोगे कि तो फिर क्या इसके बारे में सोचें, मैं कहूँगा देखो इसके बारे में भी मत सोचना क्योंकि ये भी नहीं होगा। 75,000 में अगर आप 33.33% जोड़ दो यानी 1/3 जोड़ दो तो ये 100 होता है, 100 होता है, 7500 हो जाता है भाई, याद ही होगा ना आपको। 75 में अगर आप प्लस 1/3 करोगे तो 100 मिलेगा और 1/3 तो आपका 33.33% होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इवन आप 80 को भी रिजेक्ट कर सकते थे इसी लॉजिक से कि 80 का अगर आप 33.33% बढ़ा देते, लेट से 1/3 निकालते तो भी कितना आता, लेस देन 27,000 इसमें ऐड कर दोगे तो भी 107,000 के आसपास पहुंचोगे आप। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है पहला, आपको मैच करना है, आप कर लो, मुझे नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन पॉसिबल है ही नहीं, इसमें कोई आंसर नहीं हो सकता। ये एसएससी के एक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग कई बार कहते हो ना कि ऑप्शन अगर बहुत करीब हो गए तो क्या होगा, ये इस साल के टीयर 2 का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन का करीब होना भी बहुत करीब होना जो भी है, तो जब एक्चुअली निकालने की बात आएगी तो निकाल डालेंगे, वो कोई ऐसा कमाल नहीं है आपके लिए। बाकी लोग भले ही फॉर्मूला लगा के परेशान रहेंगे, देखिए आप वो भी निकाल लोगे, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से कि आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है यहाँ पर,
है ना, ये वैल्यू आपको दी है 119750, ठीक है। अब आप मान ही नहीं रहे हो मेरी बात, करो नहीं नहीं मुझे एक्चुअली ही निकालना है, क्या करूँ, तो मैं कहूँगा कुछ मत करो, आप सिंपल सा देखो हर स्टेज पे 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होने वाला है, ठीक है। तो आप 1.1.1 से डिवाइड करते चले जाओ तो भी आंसर आ जाएगा। आपको ए बी रूल पढ़ा चुका हूँ कि सर इस डायरेक्शन में अगर +10% होता है तो यहाँ पर ये -1/11 होगा, -1/11 निकाल के माइनस करो, ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, सब निकल आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लोगे तो सब हो जाएगा, लोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस जब एग्जैक्ट निकालने की बात आएगी तो निकाल लेंगे हम, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन सवाल ये कि अगर ऑप्शन इस तरह से दिए तो उनका यूज़ करो। और फिर से आप देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने कौन सा भयानक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, कोई भयानक कॉन्सेप्ट कंपाउंडर्स की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी मंथ्स विल 8000 ईल्ड 2648 कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इतना कंपाउंड इंटरेस्ट कितने महीनों में मिलेगा अगर 20% पर एनम कंपाउंडिंग की जा रही है और वो भी सेमी एनुअली की जा रही है। अब देखो इन्होंने क्या किया, मैं वही कर रहा हूँ, इनका जो 10% वाला प्यार है वो गया नहीं, 20% अगर आपका पर एनम इंटरेस्ट रेट है और आपने कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करी, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, तो उस 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया 10%, यानी फिर से वापस आ गया 10% वाला स्ट्रक्चर। और जैसे ही 10% वाला स्ट्रक्चर वापस आया मुझे आंसर भी पता चल गया कि 18 है। कैसे भाई, आप कहोगे इस नंबर को देखते देखते एक फीलिंग आई, वो फीलिंग आई गई कि ये 30% से थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो ना इंटरेस्ट को ध्यान से देखो, 8000 आपका बेस है, 2400 आपका 30% होता, तो ये 30% से थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये ज़्यादा आगे निकल गया, 46.41% नहीं है ये, 30% से थोड़ा ज़्यादा जैसे आपने आइडेंटिफाई किया। ये कब होगा, 3 साइकिल्स में, 3 साइकिल्स का मतलब 6 मंथ्स की 3 साइकिल्स, यानी कितना हुआ 18 मंथ्स। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है अगर आपको 10% का बेसिक आइडिया, जो SSC को बहुत प्यार है। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, 2016 2015, हर साल 10% पे सवाल तो होता ही होता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा 20, लेकिन जब सेमी एनुअली की बात कर ली तो ये 10% ही हो गया। तो हमने क्विकली आइडेंटिफाई किया कि ये परसेंटेज 30% से थोड़ा ऊपर होगा, यानी एक्चुअली होगा ये 33.1 वाला, और कुछ हो ही नहीं सकता है, 33.1% ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ साइकिल आप ज़रा देखना, ये 2 साइकिल लिखी हुई है, यहाँ ये 5 साइकिल लिखी हुई है, यहाँ पर ये 4 साइकिल लिखी हुई है, यहाँ पर ये 3 साइकिल लिखी हुई है। तो जब ये कंप्लीट साइकिल्स की बात कर रहे हैं हमसे, तो जो परसेंटेज होगा वो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला ही तो होगा, द आपका 21%, 33.1%, 46.41%, ठीक है। आसानी से आंसर आएगा, आप क्वेश्चन देखोगे और मार्क करोगे, देखते हैं कि 30% थोड़ा सा ऊपर, 3 साइकिल्स हो गया आंसर, कितना 6 × 3 18 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर द थर्ड ईयर इज ₹2000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 ईयर्स इज गिवन। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से सोचना, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको एक ही फंडा छोटा सा बताया, वो ये बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो आप कह दो कि सिंपल इंटरेस्ट 2000 है या तीसरे साल का या फिर पहले साल का, एक ही बात है, सिमिलर सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा। साथ में आपको ये भी पता है कि पहले साइकिल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा थर्ड ईयर का 2000 है, पहले साल का भी 2000 होगा, और पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा, क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग की बात नहीं करी है। जब कंपाउंडिंग की बात नहीं की जाएगी तो वो एनुअल कंपाउंडिंग होगी, तो यहाँ पर एनुअल कंपाउंडिंग की बात हो रही है। तो 2000 अगर पहले साल का इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि पहले साल में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। आगे बढ़ूंगा फिर मैं कहूँगा इसका मतलब ये हुआ भाई कि दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 2160, टोटल कितना दिया है 4160 टोटल CI। आप कहोगे यहाँ से यहाँ का जो चेंज है ना, ये 160 रुपीज़ का है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि किन्हीं भी 2 consecutive years का जो चेंज होता है वो रिप्रेजेंट आप कर सकते हो रेट परसेंट से। तो ये 160 रुपीज़ का जो चेंज आपका है, ये सिंपली आपको बता देगा कितना परसेंट रेट इंटरेस्ट है। 162,000 का कितना परसेंट है, आप कहोगे 8% है, तो साफ साफ दिख रहा था। आंसर ऐसे ही ओरली मार्क कर पाओगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत रखिए थॉट में, सिंपल थॉट, आंसर आसानी से निकलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। CGL 17 मेंस का सवाल कह रहा है कि 3 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 15% बढ़ जाता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹15 लाख इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट। बहुत ही आसान सवाल है अगर आप इसको समझने के लिए तैयार हैं तो, ठीक है, नहीं है तो मुश्किल होगी, फिर भी मैं समझा के ही रहूँगा, जैसे आपकी जिद है मेरी भी जिद है, ठीक है। देखिए 15% अगर आपको पता है SI होगा तो
थोड़ी देर पहले का डिस्कशन याद करना, क्या बताया था मैंने, 5% इम्पॉर्टेंट है भाई 3 साल में, उसमें सीआई कितना होता है 15.7625% होता है सर, लिख दिया मैंने। अब जरा करना मुझे क्या है, मुझे 15 लाख का अमाउंट दिया है उसका मुझे ये निकाल लेना है, इतना परसेंट यही आंसर होगा, ये 15 लाख का निकालना है, तो ये निकालना है ऑफ 15 लैक्स। ये देखते ही आंसर आ चुका है बट फिर भी मैं समय लगाऊंगा, वरना आप कहोगे बहुत जल्दी लगा देते हो सर। 15 लाख का 15% निकालना 2.2 लाख आ जाएगा, 15 × 1.5 आप कर लो, 0.15 कर लो, 2.25 आ जाएगा। फिर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू लिखी है 0.7625%। तो देखो 2.25 तो मुझे दिख गया, अब बाकी के जो आंसर है ना ये तो बहुत ही वाहियात आंसर है, ये तो नहीं है होगा। अब इसमें क्या आप देख रहे हो कि 1 जुड़ने वाला है क्या भाई, 0.7625% दिया हुआ है, इसका जो 1% होगा ना, इसका जो 1% होगा वो कितना होगा 0.15 लाख होगा। अब इतना समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि अब आप आंसर को मार्क कर दो, क्यों सर, क्योंकि 15 के बाद का जो परसेंटेज है वो 1% से कम है, 1% से जो कम वैल्यू होगी वो 0.15 लाख से कम होगी, 0.15 लाख से कम होगी, इसका मतलब मुझे इसमें 0.15 से थोड़ा सा कम ऐड करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, एक ही पॉसिबल है क्योंकि 2.87 की तो संभावना ही नहीं है। तो देखो इतना सवाल जो आपको मुश्किल लग सकता था, मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए दिमाग में रखा है, जो भी फार्मूला रखा है प्लीज़ उसे आज ही निकाल के फेंक दीजिए, दिमाग में थोड़ा जगह खाली होगी, कुछ और अच्छी चीज़ें स्टोर करें, ठीक है। इतना आसान था, इस क्वेश्चन में कलम नहीं उठानी थी, मैंने आंसर को डायरेक्टली मार्क नहीं किया था जानबूझ के, ताकि आप बाद में कंप्लेन ना करो, लिखते हो ना आप कमेंट में जाके कि इतना तेज मत किया करिए, तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसका लॉजिक समझो क्या है, 15% 15.7625% बस इतना, तो 15% इसका 2.25 होगा, ये मुझे पता है 0.15 से कम होगा क्योंकि 1% इतना है इससे कम होगा, तो आंसर आपको 2.36 तुरंत मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब लगाया गया उस पर एट कंपाउंड इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल पे वो 9600 और 10272 रेस्पेक्टिवली है, तो रेट इंटरेस्ट कैसे, आसान सवाल संभव ही नहीं है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अगर आप दो कंजिक्यूटिव ईयर्स को पकड़ रहे हो तो कितनी बार हम, मैं आपको बोल के बता चुका हूँ अभी कि ये रेट परसेंट से बढ़ जाएगा बस, और कुछ नहीं होना। अब रेट परसेंट ही निकालना है तो उसी में आपको जितनी तकलीफ है वो होगी, वो भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहोगे कि ये तो मुझे दिख रहा है कि 672 रुपीज़ का इंक्रीज़ हो रहा है आपका, ठीक है, 672 का इंक्रीज है और ये वैल्यू आपकी दी है 9600, तो आपको यही बताना है कि कितने टाइम्स। सो मुझे रफली दिख रहा है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, क्यों भाई, 96 आपका 1% होगा और रफली आप 7 टाइम्स लोगे भाई, ये 700 से थोड़ा सा कम है, 700 - 28 है, 96 × 7 होगा, इसलिए 7% रेट इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को टेस्ट किया गया परसेंटेज के, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं और आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन वन ईयर ऑन ए सम ऑफ रुपीज 10,840% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। देखो जरा 10% वाली जो एसएससी की मोहब्बत है वो बरकरार है, 40% पर एनम बोला और क्वार्टरली कंपाउंडिंग की बात कर ली, तो जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग की बात करोगे तो हम 40% / 4 करेंगे, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट 10% सर। अब जरा ध्यान से देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअल कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं और एक साल का ही पीरियड बोल रहे हैं, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ही बात हुई। अब इंटरेस्ट में जो डिफरेंस निकालना है सर वो कैसे निकालोगे आप, 10,000 यहाँ दिया हुआ है, आप क्वार्टरली अगर कंपाउंडिंग किया तो एक साल में 10% के कितने पीरियड्स आ जाएंगे, 4 साइकिल्स आ जाएंगे। आपको पता है 10% 4 साइकिल्स 46.41% क्लास की शुरुआत में ही बताया था मैंने आपको, और जब एनुअल कंपाउंडिंग की बात करोगे भाई तो वो तो 40% ही रहेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है वो 6.41% आने वाला है। अब ये सवाल इक्विवेलेंट है कि भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस 4 साइकिल का 10% के हिसाब से क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से क्या होगा, 6.41% होगा। इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया बट एक साल की कंपाउंडिंग बोल दी जिसकी एनुअल, उसमें क्या ही फ़र्क है, वो सीआई एसआई की है। ये वैल्यू बतानी है सर किसका, 10,000 का, क्या हो गया आंसर 641। आपको समय भी नहीं लगेगा जब आप थोड़ा सा इसमें अभ्यस्त हो जाओगे ना, ये परसेंटेज वैल्यूज आपके दिमाग में घूमने लगेंगी ना जब अपने आप,
तो फिर ऐसे क्वेश्चन देख के मार्क करोगे, मेंस का सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट सवाल ये है कि क्या एफिशिएंसी आपकी इतनी है। आप इन सवालों को लगाने में बहुत टाइम लगाते हो क्योंकि आप रटते हो फार्मूला, तो फार्मूला भूल जाइए, समझदारी से ध्यान देंगे और थोड़ा सा इनकी कमजोरियों का अगर हम फ़ायदा उठाएंगे, जिस तरह से ऑप्शन देते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन देते हैं, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सर्टेन सम इन द थर्ड ईयर इज दिस, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। तो मैंने आपको ये भी अभी समझाया था भाई, सब फंडामेंटल बेसिक मैं आपको छोटा छोटा बता चुका हूँ, उसी की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एक अमाउंट में थर्ड ईयर में इतना मिला, थर्ड ईयर में, ये लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको मालूम है, चौथे साल का निकालना है ना, तो 9% बढ़ाना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए आप खुद ही कहोगे कि भाई किसी चीज़ को अगर 9% बढ़ाना है, 12,000 के आसपास की वैल्यू को 9% बढ़ा के हम जो ना 14,000 नहीं कर सकते हैं, ना ही 15,000 कर सकते हैं, ना ही 17,000 कर सकते हैं। भाई अगर 10% भी बढ़ा देंगे ना, तो भी आप देखो 13,000 समथिंग में ही रहोगे आप। ऐसे ऐसे तो ऑप्शन आपको देते हैं कि आपको कहीं कोई तकलीफ भी ना हो, ठीक है। तो 9% भी दिया तो हम 10% का यूज़ करके निकाल पा रहे हैं कि 10% ही रफली 1210 होगा, जो 13,000 कुछ होगा, तो आंसर हमारा इतना बड़ा नहीं आ सकता जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो वो बात अलग है, आप शंका हमेशा करते रहते हो कि एग्ज़ाम में ऑप्शन बहुत करीब आ गया, तो आप खुद ही देखो ये एक्चुअल मेंस के सवाल हैं, वो करीब भी करेंगे तो कितना करेंगे, देखो जरा कितना दूर दूर रखा है ऑप्शंस को, हज़ार हज़ार की दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। करीब भी लाएंगे 500 की रखेंगे एग्ज़ाम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवेज टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, है ना। थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन प्रैक्टिस करो क्योंकि ये एग्ज़ाम में यूज़ होगा, आप जितना डाउट अपने ऊपर करना है करते रहो, ठीक है। जब एक्चुअल कैलकुलेशन की बात आएगी तो ये कौन सा भयानक सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हो जाएगा। कैसे, 9% निकालना है ना सर, तो 121 × 9 कर लो, राइट। तो 121 × 9 अगर आप निकालने जाते हो तो आप कहोगे 120 × 9 करूँगा मैं, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप कहोगे हो जाएगा 1080 और ये हो गया 9, 1089 जोड़ देना। अब बताओ एक्चुअल कैलकुलेशन भी अगर करना है तो ये कौन सा भयावह सवाल है। नहीं, वो भी कर दिया देखो आपने, आप अगर जिद कर रहे थे, आप नहीं मान रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको मैं वो भी करके दिखाई देता हूँ, ठीक है, है ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑप्शन एलिमिनेशन जब जब होगा करेंगे, नहीं होगा तो कैलकुलेट भी कर लेंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो क्या कह रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज दिस, तो बताना है इसका प्रिंसिपल क्या होने वाला है। देखो जरा एसएससी की मोहब्बत बरकरार, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल, आपको पता है क्या होगा, 33.1% तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है, 33.1%। और ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ है, ये अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ। अब देखो कौन से ऑप्शन को बढ़ाएं कि ये मिलेगा आपको, अभी ये वैल्यू हम देख चुके हैं शायद कि ये नहीं देता है, 75 जब होता है तो 10 के पास पहुंचेगा, 80 भी होगा तो 80 की पॉसिबिलिटी बनी थी अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। 90 अगर लेंगे, 30% अगर आपने बढ़ा दिया तो 117 हो जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लियर कट रिजेक्शन मैंने कर दिया, इसके बाद जरा 8,000 के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 8100 होता, 33.33% बढ़ाते इसको, तो ये 107 के आसपास जाता है। अब जरा 8000 को चेक कर लेते हैं, अगर ये गलत होगा तो भैया कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जरा बस ये देख लो कि 8000 से अगर हमने शुरू किया, ये हमारा जो अमाउंट अगर इनिशियली 8000 है और ये वैल्यू हमारी इतनी दी हुई है, तो क्या ये डिफरेंस 33.1% है या नहीं है। आप कहोगे ये भाई वैल्यू 8000 है, ये वैल्यू 10648 है, इनका जो डिफरेंस है वो 2648 आ रहा है, ठीक है। आप जरा ध्यान से समझना है यहाँ पर, क्योंकि 8500 अगर होता तो ये नहीं होता, क्योंकि 500 अगर यहाँ आप बढ़ाओगे तो 500 यहाँ कम हो जाएगा, और 500 अगर यहाँ कम होगा तो ये 2000 के आसपास आएगा, जो कि 30% भी नहीं रहेगा। इतना देख के भी आप आंसर लगा सकते थे, बट एनीवेज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप करके देख लेना, ये 33.1% ही आएगा, इसकी मजबूरी है। तो आप देखो एक्चुअल कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ रही है क्वेश्चंस में, ऑप्शंस को देख के हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, और वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10% का रिजल्ट 3 साल के बाद क्या होता है, वो होता है 33.1% इंक्रीज। ऐसे करोगे आसानी से आंसर आएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अगला क्वेश्चन देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹25,000 ईल्ड ₹8,275 इज कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर अगर आपने नहीं लगाया तो ये एक महापाप है। कैसे भाई, 10% आपने फिर से उठा के हमें दे दिया। अब ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये 3 साइकिल के बाद मिलेगा, लगभग 30% के थोड़ा सा ऊपर है, 40% नहीं है सर, 30% से थोड़ा सा ऊपर है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, 33.1%, क्योंकि आपने जो ईयर्स दिए हैं इंटीजर में दिए हैं 2, 4, 5, 6, 5, 3, तो बस 3 ही पॉसिबल है। 4 में तो 46.41% होता है, ये दिख रहा है मुझे साफ साफ कि ये 30% से थोड़ा सा ऊपर है। 25,000 का 30% क्या होगा सर, आप बताओ, 250, यहाँ पर आप निकालो 10%, 2500 × 3, 7500 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर निकालोगे तो 33.1% मिलेगा, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मेरी राह पे अगर चलोगे तो एग्ज़ाम में SICI के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मजाक ही होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है एक सर्टेन सम पे थर्ड ईयर का दिया है 1750, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 ईयर्स दिया हुआ है और हमें रेट परसेंट निकालना है। सर जी, अगर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया उन्होंने थर्ड ईयर का, तो वही फर्स्ट ईयर का भी होगा, वही सेकेंड ईयर का भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही रहता है। ठीक है, तो जब इन्होंने बोला कि 1750 सिंपल इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का, तो आपको पता है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट सही होगा। और जब कंपाउंडिंग एनुअली होती है, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, जब कुछ नहीं बोला है तो वो एनुअल कंपाउंडिंग होती है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साइकिल का। तो भाई मुझे ये मालूम है कि 1750 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल का, अब टोटल 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने दे दिया है, तो मैं सेकेंड ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, पहले साल का मालूम है, उनका जो परसेंटेज चेंज होगा वही रेट परसेंट होगा। ये डिफरेंस निकालने में जितना टाइम लगेगा लगेगा आपको, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये 1872.5 है, मुझे दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना, मैं एडिशन थोड़ा फास्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्शन फास्ट करता हूँ, आप भी करिए। ये डिफरेंस फिर मैंने देखा तो ये डिफरेंस मेरा आ गया 100, तो साफ साफ दिख रहा है 22.5 मुझे साफ साफ दिख गया। अब जैसे ही मुझे ये देखा, मुझे आंसर मार्क करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि भाई आंसर हो गया 7%। कैसे, आपको पता है कि 17 × 7 अगर आप लेते हो तो कितना मिलता है आपको, 17 × 7 आपका 119 होता है कि नहीं होता है, ये 17.5 है, तो आप देखो 119, 7 बात हो रही थी तो 3.5 और आ जाएगा, 122.5। ऑल दो इतना करने की ज़रूरत थी नहीं, क्यों, क्योंकि 8%, 9%, 10% तो सोचना ही नहीं, क्योंकि 17 × 8 अगर हम गए, 17 × 8 ही गए तो वही खुद 130+ निकल जाता है। ठीक है, तो यहीं से आपको समझना था कि बस एक ही आंसर पॉसिबल है, वो 7। इतना जल्दी होगा, इस क्वेश्चन में भी आपको पेन रेज नहीं करना था, आपको डायरेक्टली आंसर लगाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को बेहतर करेंगे और स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आंसर तुरंत निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹2000 yield ₹662 इट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन देखो, आंसर लगाओ। वैसे सवाल जैसे पहले किया भाई, 662 आपने दे दिया, ये मुझे पता है 33.1% है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, क्यों, अगर ये 1000 होगा तो ये 331 होगा, परसेंटेज कितना होगा, 33.1%, 10% की बात करें, 3 साइकिल, एनुअल कंपाउंडिंग 3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹80,000 840% पर एनम लुक इन 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। आगे देखो, 40% क्वार्टरली कंपाउंडिंग कितना हो गया सर, 10%। अब 10% के हिसाब से अगर आपने क्वार्टरली कंपाउंडिंग की और आप मुझसे 1 साल की बात करोगे, मुझे मालूम है इंटरेस्ट क्या होता है, 46.41%, बता चुका हूँ आपको, 4 साइकिल तक का 10% का पता रखो। अब ये वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, 80,000 की। अब जरा मेरा कैलकुलेट करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं करूँगा भी नहीं, मैं ऑप्शन देखूँगा बस। ठीक है, 8 × 4 अगर आपने निकाला तो 32 आएगा, उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, जरा ऑप्शन देखना क्या सही है, दूसरा ऑप्शन, पेन उठाना है, नहीं उठाना है, क्योंकि 46.41% तो मुझे पहले से मालूम है, और फिर मुझे 80,000 साफ साफ दिख रहा है, तो 4 × 8 बनेगा मिनिमम, तो 32 से शुरुआत हमारी आंसर मिनिमम 3, तो 3 से तो मेरा आंसर शुरू ही होगा। ऑप्शन को देखने जरा कैसे हुआ याद दिए। अब ये अगर आदत आप नहीं डालोगे, देखो मैं बार बार ऑप्शन पे इतना एम्फसाइज क्यों करता हूँ, जब इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, और अगर आपने ऑप्शन को देखना ही बंद कर दिया, ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसे लगा रहे हो जिसमें ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ये आप ये चीज़ क्या ना, ये आपका स्किल नहीं बनेगा कभी भी एग्जाम में। क्या होगा फिर, जब स्किल जो भी नहीं होता वो काम ही नहीं करता, तो आप इन 4 ऑप्शन को तो देखोगे ही नहीं, आप सीधा सीधा लग जाओगे क्वेश्चन लगाने में, जब क्वेश्चन लगेगा तो आंसर मैच कराओगे, कहाँ पर मार्क करोगे। ये आदत अभी से डालो ऑप्शन देखने की, वरना बहुत दिक्कत होगी और बहुत देर भी हो जाएगी।
अगर आपने सोचा कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मैं शुरुआत करूँगा ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करने में, कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम में, अभी से शुरू करो आज से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए पर्टिकुलर सम फॉर 3 ईयर्स इज रुपीज़ 6,000, 3 साल का 6,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का इन्होंने बोल दिया कि यह है आपका 4160। आंसर क्या है? 8%। देखो यही सवाल हम लोग कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, बस अंतर क्या था, वहाँ डेटा डिफरेंटली दिया हुआ था, चीज़ यही थी। कह रहे हैं 3 साल का 6,000 है भाई सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का कितना होगा 2,000। कंपाउंडिंग एनुअली, क्योंकि कंपाउंडिंग के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, एनुअल कंपाउंडिंग होगी, तो एनुअल कंपाउंडिंग के केस में पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। तो अगर ये पहले साल का इंटरेस्ट हुआ, टोटल 2 ईयर्स का 4160 है, तो अगले साल का कितना हो गया 2160, और इनका जो परसेंटेज चेंज है वो क्या है 8% का। आंसर क्या हो गया आपका 8%। इतनी आसानी से देखिए क्वेश्चन, ये भी आपका निकल गया। तो देखिए आज के इस लेसन में हम लोग यही क्वेश्चंस करके मैं इसको एंड करूंगा, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूं। देखिए कि SICI में केवल और केवल परसेंटेज के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है, ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, SSC का खैर इस साल का मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस भी किया। आगे हम जो कल क्वेश्चन करने वाले हैं कल के लेसन में, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक परसेंटेज स्ट्रक्चर्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्लस पैटर्न अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरह की परसेंटेजेस ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं एग्जाम में, जो आते हैं हर एग्जाम में, नॉट ओनली इन SSC बट इन CAT और अदर मैनेजमेंट एग्जाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो कौन सा परसेंटेज स्ट्रक्चर परसेंटेज बहुत कॉमन है एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनके बारे में थोड़ा पहले से जानकारी रखना। जैसे SSC की पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया 10% बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप केवल 10 नहीं जान मत रखो, 20 भी रखो, 5% भी रखो, मैंने तीनों आपको बताया और सवाल मिला मुझे 5 वाला भी इसमें था, यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो जब इन परसेंटेज स्ट्रक्चर्स की क्लैरिटी आपको है, आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से मालूम है, आपको पता है कोई फार्मूला नहीं याद रखना, मैं आपको भी बोल रहा हूँ कोई फार्मूला याद नहीं रखना, आपसे सारे क्वेश्चंस निकलेंगे SICI के। कल के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा जहां थोड़े क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चंस से तो थोड़ा अच्छे ही होंगे, उनको भी करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे होंगे वो, आपको कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेसन बहुत पसंद आया होगा, शेयर करते रहिए, ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे फार्मूलों से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। तो वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बाकी मैं आपसे मिलूंगा कल के लेसन में, और बाकी Apttrix और QMaths दोनों का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई लेसन मिस ना करें। कल का लेसन भी Apttrix के चैनल पे ही आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं उनको भी देखें, और जो भी यूज़फुल लिंक्स हैं उनको सब्सक्राइब करें, और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।